फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल किड्स विद अरब। और कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के तो आपने जान ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और आज मैं फिर एक बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली कि बच्चों को खेल खेलना कूदना कितना जरूरी है। बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को खेलने कूदने से रोकते हैं, टोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी होती है खेलने कूदने से। बट लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि खेलने कूदने से हमारी बच्चों की जो शारीरिक विकास होता है बहुत अच्छे से होता है, बहुत तेजी से होता है, और साथ साथ उनका मानसिक विकास भी उसके साथ साथ बहुत तेजी से होता है। प्लस वो जो पढ़ाई करते हैं, जो उनका है मन बहुत लगता है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो भी काफी शार्प होता है, तेज हो जाता है। और ये जितनी भी बच्चे के एक शरीर में ग्रोथ के लिए जितनी भी क्रिया होती है, सब में एक ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं खेलना भी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनको खेलने से आपको रोकना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि पूरा दिन खेलने को ना खेलने दें, आप उनको खेलने का भी एक निश्चित समय दें। खेलने कूदने से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, और तो और अपनी बातों को रखना, समझना और इन सब चीजों के बारे में भी उनके अंदर जो एक कैपेसिटी होती है, वो कॉन्फिडेंस पावर और एक न्यू कैपेसिटी बिल्डअप होती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो खेलने से बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट होती हैं। तो हम उसी टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं। तो पहला मेरा पॉइंट है कि बच्चों की क्षमता में विकास। बच्चों की क्षमता में विकास से क्या होता है कि खेलने से बच्चों को जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेजी से होता है। स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें बौद्धिक क्षमता और मानसिक जो क्षमता होती है उसमें दोनों में इन बच्चे का विकास होता है। मानसिक तरीके से बच्चा स्वस्थ और खुश रहता है, और बौद्धिक क्षमता तो बढ़ती है। साथ में बच्चे जो होते हैं अपने एज के बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करना सीख पाते हैं, उन्हें पेशेंस रखना भी आने लगता है, वो बच्चों से तालमेल बिठाना, कैसे हर चीज को लेके डील करना खेल को, तो इस तरीके से जब वो ग्रुप में खेलते हैं तो वो सारी चीजें उसकी मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये सारी जो एक्टिविटी जितनी भी चीजें होती हैं ये सभी पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, तो इससे बच्चे का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसका तेजी से, प्लस उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है, जिसको हर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, फिजिकली तौर पर वो कैसे इतना मेंटेन रह पाए। तो इस सब चीजों को अगर आपको सोल्यूशन पाना है तो उसको कुछ समय तो खेल के लिए देना है। मेरा पॉइंट है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिट पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को खेल खेलने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा खेलेगा तो कहीं गिरेगा, चोट लगेगी, और वो अपने ज्यादा बच्चे को लेके काफी पजेसिव होते हैं, तो वो अपने बच्चे को खेलने से रोकते हैं। तो चोट बहुत लगती है तो मैं उसे ना खेलने दूं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को आपको चोट लगती भी है तो वो शारीरिक विकास के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इससे बच्चे का शरीर मजबूती बनता है। कहीं ना कहीं वो अपनी चोट से ही बहुत कुछ सीखता भी है, और अगर गिरेगा तभी तो सही से चलना सीखेगा, ये बात भी यहाँ पे लागू होती है। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि बच्चे बचपन में जब हम पहली बार हम भी चलना कभी सीखे होंगे तो हम भी गिरे होंगे, हमें भी चोट लगी होगी, कहें कि हमारा बच्चा चले और वो गिरे ही ना, ऐसा नहीं होगा। अपने आपका बच्चे को जब आप उसको फ्री छोड़ेंगे तभी आप वो अपने आप जब एक्टिविटीज करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि हमें किस किस चीजों से चोट लग सकती है, किससे नहीं। और बच्चों को बचपन में खेलना उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, क्योंकि ये यही तो उनकी बेस्ट एक्सरसाइज होती है, क्योंकि उन्हें यही वर्कआउट करते हैं, और इससे उनका जो है बचपन काफी हेल्दी रहता है और उनका शारीरिक विकास भी काफी तेजी से बढ़ता है। बढ़ेगी सोशल स्किल्स। जी हाँ, जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना बहुत अच्छे से आता है, और वो हम और आप से ज्यादा अच्छे से अपनी फ्रेंडशिप को और फ्रेंडशिप की जो डोर है उसे मजबूत रखते हैं। वो बातचीत करना सीख जाते हैं, उन्हें एक दूसरे की हेल्प करना सीख जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने से लेके खाने से लेके हर चीज की शेयरिंग करना सीखते हैं, और वो हर चीज को
बातों के जरिए एक दूसरे से बहुत सी नई नई चीजें भी सीखते होता हैं। है, बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है जब इन सब चीजों को सीखते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों मेंटल पावर है वो इससे काफी स्ट्रांग होती है। थिंक इट्स बेटर। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल में बढ़ोतरी या फिर बढ़ना या इजाफा, कुछ भी कह सकते हैं आप। कम्युनिकेशन स्किल, जब बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं, तो उनका ये कम्युनिकेशन जो स्किल होता है बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें बहुत स्ट्रांग बनता है। वो एक दूसरे को अपनी बातों को रखना सीखते हैं एक दूसरे से, और कहना सीखते हैं, उनकी जो बोलने में जो बोल्डनेस है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप होती है। वो अपनी बात को बेहिचक कह पाते हैं किसी से भी, और उसका वो दबके नहीं रहते हैं, एकदम खुले ओपन माइंडेड बच्चे हो जाते हैं। घर में बच्चा अगर रहता है तो काफ़ी हद तक दबा दबा सा, सहमा सहमा सा भी हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर की दुनिया से कम इंटरेप्ट हुआ, तो जब वो बाहर की दुनिया से मिलता नहीं है तो वो थोड़ा सा हेजिटेट महसूस करता है किसी भी चीज़ों को लेके, वो किसी से बात करने में भी हेजिटेशन महसूस करता है। तो आपको चाहिए कि बच्चे को कुछ समय खेलने के लिए देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपनी बातों को रखना, सहना, टीम वर्क करना आ जाए उसे, उस तरह उनके साथ खेलना और उनके साथ कैसे बात करना है, उनकी कैसे हेल्प करना है, किसी के साथ चीट नहीं करना है, चीट करना क्या होता है, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो जब करता है, देखता है, तभी सीखता है। तो मेरे कुछ मेन पॉइंट हो सकते हैं कि बच्चों के लिए खेलना कितना ज़रूरी है, और अगर आपको भी लगता है कि बच्चों के लिए खेलना ज़रूरी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप डरते हैं कि मेरा बच्चा चोट लगेगी तो ना खेलने दें, तो ऐसा मत करिए, प्लीज़ उसे खेलने के लिए कहिए। अगर बच्चा आपका नहीं भी चाहता है तब भी आप उसके साथ खेलिए। अगर वो दूसरों के साथ नहीं खेलना चाह रहा है तो आप स्टार्टिंग में आप खुद उसके साथ खेलिए, इसके बाद वो उनको वो खुद ही अपने आप को दूसरों के साथ खेलने के लिए कहेगा। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।